गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर नंबर 8, रियाज रीच अंकल्स होम। अब इसके पहले दो लेसन में हमने रिया की सारी डिटेल पढ़ ली है, ट्रेन की डिटेल पढ़ ली है। देखो, रिया जो है वो ट्रेन में बैठ के कैसे अपने मामा के वहाँ जाती है उस बारे में देखा, रिया की ट्रेन कितनी लेट हुई वो देखा, रिया ने जो स्टेशन में क्या चीज़ देखी वो देख लिया। तो अब इसका लास्ट पार्ट जो है हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 में, रिया रीच अंकल्स होम। रिया जो है वो अपने अंकल के होम पहुंच गई है। देखो, अभी यहाँ पर आपको वॉच बताई हुई है और उसमें कितना बजा है, तो 10:25 हुआ है 29 में, बराबर रात के 10:25 हुए हैं। रिया की ट्रेन लेट थी, रिया की ट्रेन 8:25 पे पहुंचने वाली थी पर 2 आवर्स ट्रेन लेट हुई, तो वो कितने बजे पहुंची, तो 10:25 पे पहुंची, है ना। और कौन सी डेट पे पहुंची, तो 29 मई को पहुंची, बराबर बेटा। तो अब जो है हमको ये लेसन स्टार्ट करना है, तो चलो हम रीडिंग शुरू करेंगे। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी बाई ट्रेन वी रीच्ड वापी। मामाज होम इज़ नियर बाय द स्टेशन, सो ही कम टू पिक अस अप। श्रील एंड अर्नव ऑल्सो कम विथ मामा, दे आर माई मामाज चिल्ड्रन, दे आर वेरी हैप्पी टू सी मी एंड हिमाक्ष, वी हग ईच अदर। तो इसमें रिया ने क्या बोला कि हम जो है इतनी लंबी जर्नी करने के बाद जो है वापी पहुँचे, और मेरा जो मेरे मामा का घर जो है वो स्टेशन के पास ही है, बराबर। तो मेरे मामा जो है वो उनके दोनों बच्चों के साथ जो है हमें लेने आए, और उन दोनों बच्चों ने जब हमको देखा तो हम चारों जन जो है बहुत खुश हुए और हमने एक दूसरे को गले लगाया। तो ये जो है हमारा पैराग्राफ नंबर 1 यहाँ पूरा होता है, बराबर। कोई भी हो, आप भी जब अपने मामा के वहाँ जाते हो और उनके बच्चों से मिलते हो तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो सेम टू सेम जो है रिया के साथ भी यहाँ ऐसा हुआ है, रिया जो है अपने मामा के वहाँ पहुँची है और मामा के बच्चों से जब वो मिली तो वो सब जो है बहुत ज़्यादा खुश हुए और एक दूसरे को चिपक पड़े, ना गले लगा लिया। तो इस पैराग्राफ में रिया ने जो है ऐसा बताया कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा खुश हुई, मैं और मेरा भाई। We hired 2 auto rickshaw from the station to reach Mama's home. I was feeling very sleepy. I slept. After some time, mother woke me up. Parents took bath and got ready. Himaksh and I also took bath and got ready. Thereafter, we sat together and had our meal. Mama said, "Take rest for some time. We will go to Daman." तो अब इसके बाद उन्होंने रिया ने ऐसा बोला कि हमने 2 टैक्सी पकड़ी और हम जो है हमारे मामा के घर पे पहुँचे, और हमको बहुत नींद आ रही थी तो हम जो है सो गए, बराबर। फिर थोड़े टाइम के बाद हम उठे मेरे मम्मी पापा ने, और हमने जो है बाथ लिया, और बाथ लेने के बाद जो है हम रेडी हुए, यानी नहाए और नहाने के बाद हम रेडी हुए। फिर हमने साथ में जो है खाना खाया, फिर मामा ने बोला कि थोड़ी देर रेस्ट कर लो और अब हम जो है दमन जाएंगे। तो नाउ इट इज़ अ पेज नंबर 59। वी गॉट रेडी टू गो दमन। मामाज फैमिली वॉज ऑल्सो गोइंग टू कम विथ अस। वी रीच बस स्टेशन बाय ऑटो रिक्शा, फ्रॉम देयर बाय बस वी रीच एट झामपुर बीच ऑफ दमन। तो जो है हम तैयार हुए दमन जाने के लिए, और हमारे मामा की फैमिली भी जो है हमारे साथ आई। हम ऑटो रिक्शा से जो है बस स्टेशन पहुँचे और वहाँ से बस में बैठकर झामपुर बीच दमन में झामपुर बीच पर पहुँचे, बराबर। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में बताया ना, देखो ये बैठे, बराबर, वो लोग। नाउ देयर वॉज अ क्राउडेड ऑन द बीच, पीपल हैड कम फॉर फन एट सी सोर। यानी बीच पर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ थी और पीपल्स जो है वो सब मस्ती कर रहे, बराबर। हम देखो ऑब्वियसली जब हम जाते हैं सी दरिया में तो हमको जो है वहाँ पे बहुत मज़ा आती है, तो रिया जो है उसे भी बड़ी मज़ा आ रही थी। उसने देखा भाई कि सारे जो है बच्चे फ़न कर रहे, बड़े भी फ़न कर रहे, तो बराबर। देखो यहाँ आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा ना, हमेशा रेती में सब बनाते, बराबर ना, तो यहाँ पे भी बच्चे ये चीज़ बना रहे।
सम पीपल वेयर सेलिंग अराउंड द सी इन द बोट। तो थोड़े बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं भाई, थोड़े थोड़े लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। सम वेयर राइडिंग ऑन द हॉर्स एंड सम वेयर ऑन द कैमल। थोड़े लोग जो है वो हॉर्स पर और थोड़े लोग कैमल पर बैठ कर राइड कर रहे हैं। लिटिल चिल्ड्रन वेयर द मेकिंग सैंड हाउस एट सी सोर। छोटे बच्चे जो है वो सी सोर के पास जो है, मैंने देखो आपको बताया, ऐसे मिट्टी में मकान बना रहे हैं ना बराबर, रेती से जो है वो मकान बना रहे बराबर। आई रियली एन्जॉयड बाई सेलिंग ऑल दिस सिंग ऑल दिस। तो मुझे जो है ये सब देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। हिमांक श्रील अनरव एंड आई ऑल्सो सेट टू मेक सैंड हाउस। तो हम चार जने जो है हम भी बैठकर सैंड हाउस बनाने लगे। वी एन्जॉय अ लॉट प्लेइंग इन सैंड। हमको सैंड में खेलने की बहुत ज़्यादा मज़ा आई। मीन वाइल मामा बॉट टिकट फॉर द बोट। इस दरमियान जो है मामा हमारे लिए बोट की टिकट लेकर आए। वी सेल अक्रॉस द सी इन द बोट। हमको बोट में बैठ के सी के उस पार जाना था, सी में जाना था बराबर। फर्स्ट आई वॉज अफ्रेड टू गेट इन द बोट। पहले जो है मैं बोट में बैठने से डर रही थी। आई सेट नेक्स्ट टू माई मदर। मैं मेरी मम्मी के बाजू में बैठी। देखो जब भी हम कभी भी डरते हैं तो हम ऑलवेज जो है हमारी मम्मा को पकड़ते बराबर ना। तो रिया भी जो थी वो भी ऐसे डर रही थी, तो वो भी जो है अपनी मम्मा के पास बैठी। वी एन्जॉय बोटिंग इन द सी। हमने जो है सी में बोटिंग एन्जॉय करा। आफ्टर दैट वी वेंट फॉर अ हॉर्स एंड कैमल राइडिंग। तो इसके बाद जो है हमने हॉर्स और कैमल राइडिंग करी। लेटर वी हैड अवर स्नैक्स बाय एट द सोर। इसके बाद जो है हमने हमारा नाश्ता भी करा बराबर। फिर नाउ टर्न द पेज, इट इज़ पेज नंबर 60। नाउ इट वॉज इवनिंग, इट सीम एज इफ द सन वॉज शाइनिंग इन द सी सिंकिंग इन द सी वाटर। देखो तो यहाँ पे हमको पिक्चर दिया हुआ है कि रिया ने बोला कि अब जो है शाम हो गई और सन क्या है, एक तो वो डूब रहा है, दरिया में डूब रहा हो ऐसा लग रहा है बराबर। द स्काई वॉज लुकिंग कलरफुल। तो आपने कभी भी देखा हो जब भी ये संध्या टाइम होता है यानी इवनिंग होती है तो स्काई जो है कलरफुल लगेगा, हमको रेड ऑरेंज वो सारे कलर जो है दिखाई देते बराबर। तो और ये चीज़ दरिया के किनारे पे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती ना। तो रिया ने बोला कि ये जो स्काई था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वी टुक फोटोग्राफ एंड वीडियोज़ एट सीज़। और हमने जो है फोटोग्राफ्स लिए और वीडियो लिए दरिया के किनारे पर बराबर। इट वॉज डार्क, वी कम बैक टू मामाज हाउस। अब जो है अंधेरा हो चुका था तो हम जो है हमारे मामा के घर पे आ गए। माई लॉन्ग जर्नी वॉज इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल। मेरी लंबी जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही और मेमोरेबल रही है ना, यानी मुझे इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें याद रहेगी। तो अब ये जो है क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, तो क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको बाद में लिखाऊंगी है ना। तो ये लेसन जो है हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ है ना। और इस लेसन से रिलेटेड जो है बेटा, मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में सारी चीज़ बता दी थी है ना, टिकट के बारे में और सब के बारे में। देखो यहाँ टिकट बनी हुई है तो ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था ना। फिर देखो यहाँ पर जो है टाइम टेबल दिया है भाई कि कच्छ एक्सप्रेस जो है वो कहाँ कितने बजे चली और कितने बजे पहुँची बराबर ना। तो ये सब चीज़ जो है इसमें दी हुई है। और ये जो क्वेश्चन आंसर है वो सब है वो हम बाद में करेंगे बराबर ना। तो ये लेसन जो है हमारा यहाँ पूरा हुआ। तो आई होप आपको रिया की जर्नी पसंद आई होगी, रिया के बारे में आपको सब जानने मिला है ना। तो ये लेसन जो है हमारा पूरा हो गया और रिया फाइनली जो है अपने मामा के वहाँ पहुँच गई बराबर ना। तो अब देख लो कि उसने जर्नी में जो जो चीज़ करी थी वो सारी चीज़ उसने नोट डाउन करी और वो सारी चीज़ अब वो किसको बताएगी, तो अपनी फ्रेंड जिया को बराबर ना। जिया उसके साथ जाना चाहती थी पर वो बीमार पड़ी इसलिए वो नहीं जा पाई। तो रिया ने सारी चीज़ें जो है नोट डाउन करी थी बराबर ना, नोटबुक में, और फोटोग्राफ्स लिए थे, वीडियोज़ लिए थे ना। तो ये लेसन जो है हमारा कम्प्लीट हो गया। लेसन नंबर 6, 7, 8 ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा लेसन फिनिश होता है।